बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धिज्म को जिन्होंने लेकर आए उनका नाम बुद्धा था। बुद्धा ऑल्सो नोन एज ए साक्य मुनि एंड तथागत, बॉर्न टू शुद्धोदन साक्य रूलर महामाया इन 563 BC ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। 563 BC वो ड्यूरेशन था, वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था जब उनका जन्म हुआ। जन्म के 7 दिनों बाद ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया। इनका इनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी, उन्होंने इनका भरण पोषण किया और इन्हें बड़ा किया। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। इन्होंने 13 ईयर्स की मैरिड लाइफ को जिया, जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। एक बूढ़े व्यक्ति की पीड़ा देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, वो अपने मार्ग से भटक गए। और उसके बाद उन्होंने, मतलब जब उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, तब उन्होंने अपने घर का त्याग किया। 29 की एज में अपने घर का उन्होंने त्याग कर दिया और अपने साथ जो उन्होंने रखा था वो उनका फेवरेट घोड़ा जिसका नाम कंथक था और चने थे, इतना चीज़ लेकर वो 29 की एज से अपने घर को निकल गए सत्य की ढूंढने, सच्चाई को, ट्रुथ को ढूंढने। और इस चीज़ को, इसे क्रिएट रीयूनिकेशन भी कहा जाता है। और ये ड्यूरेशन इनका 6 साल तक चलता रहा। ये सत्य की तलाश में भटकते रहे 6 सालों तक। 6 साल तक इन्होंने हर वो चीज़ की जिससे वो सत्य को, ईश्वर को, ट्रुथ को पा सके अपने आप को। बहुत सारा उन्होंने कष्ट भी दिया, फास्ट भी किए, और पूरी तरह से अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा चुके थे फास्टिंग वगैरह के लेके, लेकिन 6 ईयर्स तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एट द एज ऑफ 35 उन्हें निर्वाण मिला, जिसको हम एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, निर्वाण भी बोलते हैं। गया मगध बिहार में, बिहार में मगध में गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें निर्वाण मिला। और उन्होंने अपना पहला सर्मन डिलीवर किया सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। और जब उनकी एज डेथ हुई, उस ड्यूरेशन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में ये हुआ, काशिया विलेज, और जो डिस्ट्रिक्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट यूपी डोरिया में हुआ। और जो बीसी थी वो 483 BC थी। जो बुद्धिस्म थे उनके 4 नोबल ट्रूथ थे, लाइक लाइफ इज फुल ऑफ मिस्री, डिजायर इज द कॉज ऑफ मिस्री, किलिंग डिजायर्स वुड किल सोरोस, डिजायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग 8 पाथ। तो ये जो 4 नोबल ट्रूथ थे वो बुद्धिस्म के थे। और उन्होंने 8 मार्ग बताए जिसकी जो बुद्धिस्म बुद्ध लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जो वो 8 पाथ हैं वो है राइट बिलीव, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन। मीन्स अगर आप अच्छा सोचते हैं, करते हैं, रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको सच्चे मार्ग पे लेके जा सकती है, वो आपको सत्यता की ओर या ईश्वर की तरफ लेके जा सकती है। तो इस तरह के 8 8 उन्होंने पाथ बताए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। फिर अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, तो ये 4 मेन काउंसिल्स है बुद्धिस्ट की। पहली काउंसिल का जो टाइमिंग है वो 403 BC है। जो प्लेस है वो राजगढ़ है, जब किंग था वहाँ पे वो अजात शत्रु था। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का टाइमिंग दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, चेयरमैन दिया हुआ है एंड किंग दिया है। जो मेन इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल में जो किंग थे वो अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्का था। जो फोर्थ काउंसिलिंग थी उसमें बुद्धिज्म सेपरेट हो गया महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स में। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में।
जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है वो पाली में है, थ्री फोल्ड बास्केट के नाम से आप उन्हें जानते हैं, विनायका पिटाका और सुत्त पिटाका दो को इसमें बिताया गया है। जिस जो विनय पिटाका है उसमें रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के, और जो शुद्ध पिटाका है उसमें कलेक्शन है किसका, सरमंस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप दिस इन्फॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यस देन क्लिक ऑन लाइक शेयर एंड